खबर कौंदियारा प्रयागराज से आ रही है। जारी बाजार में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में घायल अनिल केसरवानी की इलाज के दौरान मृत्यु होने से परिजनों ने स्थानीय शासन प्रणाली के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि हमारे यहाँ के थाना अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये घटना घटित हुई। यदि सक्षम अधिकारी सक्रिय होते तो ये घटना नहीं घटती। मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ वहाँ उपस्थित मृतक के परिजनों ने मुआवजे के तौर पर 2 बीघा जमीन एवं 25 लाख आर्थिक मदद की मांग की। शासन प्रशासन से की है क्योंकि मृतक के 2 नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे कि उनका भरण पोषण आसानी से हो सके एवं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मांग है आपका? अच्छा ये बताइए, जो हत्यारे हैं क्या अभी भी पुलिस से गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं? अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है? नहीं नहीं नहीं, जो मेन लोग उन्हें पकड़े उसको क्या कर रही हैं? पैसा खा के बैठी है प्रशासन, इसलिए हम लोग क्या हमला हो गया 3 घंटे बाद आई है प्रशासन। मतलब पुलिस नहीं मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रही है। ये बताओ बेटा, क्या आप लोग पुलिस के कार्य से संतुष्ट हैं? अकेले पत्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, आप पूछ लिए पुलिस वाले से क्यों नहीं ढूंढ रहा है? क्या कर रहे हैं उच्च अधिकारी? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हमारी मांग यही है कि उन तीनों को फांसी दी जाए, उसके बाद हमें 25 लाख रुपए चाहिए और 2 बीघा जमीन चाहिए, तब हमारे बहनों भाई की परवरिश हो पाएगी, तब हो पाएगी। सरकारी नौकरी भी चाहिए, उसका घर गिरना चाहिए, उसके अवैध कब्जा का जो भी जमीन है पूरा सर अवैध कब्जा किया हुआ है पूरा।